बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़माने में रखे और दुनिया वाखरे की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का भी लोग करते हैं शुरू। सुबह का टाइम है, ठंडा बहुत ज़्यादा है, आपको पीछे धुंध भी नज़र आ रही होगी, बहुत ज़्यादा धुंध है। तो अभी हम अपनी जहाँ से चारा काटना है हमने वहाँ पहुँच चुके हैं। ये हथियार हमारे हाथ में है, रेडी और बाइक को हमने इधर लगा दिया है, ये देखें। तो सफ़र भी आप दोस्तों को आज दिखाते हैं। ये देखें धुंध कितनी ज़्यादा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और अभी ये सूरज कुछ नज़र आना शुरू हुआ है, तो ये देखें। तो चारा तो लेके जाना है हमने, वो तो ज़रूरी है भैंसों के लिए, तो ठंड भी है तो चारा काटने में इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा चारा काट के तो लेके जाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी तैयारी भी करनी है हमने, क्यों शहर मुल्तान जाने का इरादा है। अब्बा जी कल गए थे, अकेले गए थे, तो आज मेरा भी मूड है साथ जाने का, कुछ काम वगैरह उधर जो करने हैं। तो बस अभी चारा काट के उसके बाद फारिग होके फिर चलेंगे। ये जी हमारे पट्ठे रखे गए हैं, सिर्फ थोड़े से रहते हैं, वो भी उठा के लेके आते हैं तो वो रखेंगे। तो अभी बस एक जो थब्बी रहती है वो लेके आते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो ये रुमाल बैठा हुआ, कपड़े ख़राब ना हो, लेकिन ये देखें कपड़े बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। ये ज़मीनों में गिराएंगे, खाद के जगह पे इसको इस्तेमाल करते हैं, भैंसों का गोबर है। नहीं, कपड़े इसी करने का कहा हुआ है, तो अभी जाते हैं वो चेंज करेंगे। अभी हम मुल्तान में हैं, ऑफिस में हैं एक में, तो कुछ नाम का प्रॉब्लम था दद्दू के, तो वो ठीक करवाने के लिए आए हुए हैं। बस थोड़ा सा काम रहता है, कल अब्बा जी भी आए थे तो कल काम नहीं हुआ था, आज फिर दोबारा आज मैं भी साथ आया हूँ, तो देखते हैं कब तक काम होता है, फिर उसके बाद हमारी वापसी है, फारग है उसके बाद। तो बस थोड़ा सा ही लगता है कि थोड़ा सा टाइम है कि जो काम करने वाला है हमारा। ये शाम का टाइम हो रहा है, तो आज पूरा दिन मुल्तान में ही हमारा लगा है, तो काफ़ी टाइम हो चुका था उधर ही। अभी काम तकरीबन काफ़ी दिन से ये काम लटका हुआ था, तो आज हो चुका है, लेकिन जो तारीख लगती है इसमें वो 6 तारीख लगी हुई है, तो उस वो भी काफ़ी दूर पड़ी है, 6 दिन पड़े हैं। तो अभी पहुँचे हैं, तो रास्ते में सर्दी भी काफ़ी थी, तो बाइक भी मैंने चलाई है, तो मैंने फिर स्लो चलाई है, तो सर्दी इतनी महसूस नहीं हुई वैसे थी। तो बस अभी कुछ आराम का इरादा है,